डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेसिडेंशियल एसआरएस इंटर कॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिले हैं। और स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, इन ह्यूमन बींग हाउ मेनी नंबर ऑफ मिल्क टीथ आर प्रेजेंट। मनुष्य में दूधिया दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन विल बी 20, 24, 28, 32। करेक्ट ऑप्शन विल बी 20, अर्थात मनुष्य में दूधिया दांतों की संख्या होती है 20। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट विल बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। निम्न में से कौन सा मादा लिंग हार्मोन है। ऑप्शन एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, नन ऑफ दीज। तो मादा लिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर फाउंड इन फ्लावर। पुष्प के कितने भाग होते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, पुष्प के चार भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। सो दिस ऑप्शन करेक्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। 22, 24, 42, 44। तो करेक्ट ऑप्शन 22। मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कोरोला इन फ्लावर। पुष्प में दलों का क्या कार्य होता है, या पुष्प में कोरोला का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन 2, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन सुरक्षा करना। नेक्स्ट, सीड डिस्पर्सल बीजों का प्रकीर्णन। लास्ट विल बी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइटो हार्मोन। कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, एथाइलिन, ऑल ऑफ दी। तो ये सभी पादप हार्मोन होते हैं, तो एथाइलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच अमाउंट ऑफ प्लाज्मा आर प्रेजेंट इन ब्लड। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। 20%, 40%, 55%, 80%। तो 55% प्लाज्मा रुधिर में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। एंड्रोसियम का मतलब नर जननांग और गायनोसियम का मतलब मादा जननांग होता है। इसका सिंपल हम बना दे रहे हैं मेल एंड फीमेल। तो आप ऐसे बताएंगे कि एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एप्री एंडोसियम इज मेड अप ऑफ आयंथर एंड फिलामेंट। आयंथर और फिलामेंट कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। आयंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स ये पॉलन ग्रेन्स परागण की क्रिया में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट है गायनोसियम। गायनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट एंड बिटवीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड एग शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवरी इन व्हिच ए लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर फाउंड। एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स रीचेज ऑन स्टिग्मा एंड देन इंटर्ड इनटू द ओवरी। सो तो ये हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। देखिए जो प्लांट हार्मोन होते हैं ये पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। तो ये प्लांट हार्मोन फाइव टाइप के होते हैं ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनेंस एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलीन। ये जो तीनों हार्मोन्स होते हैं इनको बोलते हैं ग्रोथ रेगुलेटर वृद्धि रोधक। ग्रोथ रेगुलेटर और ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर ये ग्रोथ को रोकते हैं और ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन। आइए आपको बताते हैं ऑक्सिन के बारे में। ये जो ऑक्सिन होता है ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये ऑक्सिन हार्मोन एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन पौधों के एपिकल पार्ट यानी शीर्ष पर पाया जाता है जिसके कारण पौधों की ग्रोथ ऊपर की ओर होती है। तो ग्रोथ दो प्रकार की होती है फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म ये हुआ। तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब जब ग्रोथ प्रकाश लाइट के टुवर्ड्स होती है प्रकाश की तरफ होती है तब उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। और वह ग्रोथ जो जियोट्रॉपिक गुरुत्वाकर्षण की तरफ होती है उसको जियोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इस तरह से ऑक्सिन जिधर होता है उधर ही ग्रोथ उसकी होती रहती है। ऑक्सिन के बाद आइए बताते हैं आपको जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स के द्वारा कुछ पौधों में पार्थेनोकार्पी की प्रक्रिया होती है जिसको अनिषेक फलन कहते हैं। पार्थेनोकार्पी जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स के द्वारा पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है जिससे कुछ पौधों में बिना निषेचन क्रिया के बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण होता है। जैसे आप देखिए ऑरेंज है बनाना है इन सब में पार्थेनोकार्पी की प्रक्रिया होती है। और थर्ड प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। आपको एक एक फंक्शन लिखना है साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन। जैसा कि नाम से इंडिकेट है यह कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन आप कह लीजिए।
सेल डिवीजन। तो ये तीनों हार्मोन हो गए ग्रोथ रेगुलेटर, से ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। और इसके बाद का जो आपको बता दूं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब होता है पतझड़ एब्सिसन या एब्सिसिक अम्ल, इसको कह सकते हैं एब्सिसिक अम्ल। यह हार्मोन उस समय निकलता है जब फल और पत्तियां पूरी तरह से ओल्ड हो जाते हैं। जैसे फल, एक समय आता है फल पक जाते हैं, फल पकने के बाद फल का गिरना आवश्यक होता है, तो जब फल गिरने वाले होते हैं उस समय एब्सिसिक अम्ल निकल करके फल को गिरने में हेल्प करता है। और जैसे पेड़ों से पत्तियों का गिरना, उसको एब्सिसन बोलते हैं, एब्सिसन, ये पतझड़। तो जो पतझड़ की क्रिया होती है वो भी एब्सिसिक एसिड के द्वारा ही संपन्न होती है। जब एब्सिसिक एसिड निकलेगा तभी पेड़ों से पत्तियां गिरेंगी। तो ये हो गया इसका फंक्शन। लास्ट में है एथाइलीन। देखिए ये जो हार्मोन होता है एथाइलीन हार्मोन, ये हार्मोन फलों को पकाने में हेल्प करता है। एथाइलीन हार्मोन जो होगा ये फलों को पकाने में हेल्प करता है। जो एथाइलीन हार्मोन होता है इसका केवल एक फंक्शन होता है, ये फलों को पकाने में हेल्प करता है। मार्केट में जो फलों को पकाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो एक नाम से बिकता है जिसका नाम होता है इथेफोन। ये तो ये नेचुरल होते हैं जो फलों को पकाने में हेल्प करते हैं। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन हो तीन क्वेश्चन आते हैं मेरे साथ के, तो एक क्वेश्चन और है आपका। बी गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड, ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड। देखिए मनुष्य के मुख गुहा में थ्री पेयर सैलरी ग्लैंड पाए जाते हैं। थ्री पेयर ऑफ सैलरी ग्लैंड आर फाउंड इन ह्यूमन माउथ। फर्स्ट विल बी पायरोटिड, सेकंड विल बी सबलिंगुअल, एंड थर्ड विल बी, सेकेंड विल बी सब लिंगुअल और एंड थर्ड विल बी सब मैक्सिलरी। ये जो पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्रंथियां ये कानों के नीचे स्थित होती हैं। कभी कभी इनके इनमें किसी प्रकार के वायरस के संक्रमण से इसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम लोग मम्स बोलते हैं, गलसुमा रोग हो जाता है। नेक्स्ट होती सब लिंगुअल ग्रंथि। सब लिंगुअल ग्रंथियां जो होती हैं जीभ के नीचे पाई जाती हैं, जो
लार का श्रावण करती रहती हैं। और आप जानते हैं मनुष्य के लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टायलिन, टी साइलेंट है, ये जो टायलिन एंजाइम होता है ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्टेड स्टार्च इनटू माल्टोज। इसीलिए कभी कभी सूखी रोटी चबाने पर मीठी लगती है, क्योंकि रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है और टायलिन के इफेक्ट से वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मीठा लगता है। नेक्स्ट है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है मैक्सिला हड्डी के नीचे की ओर पाई जाती है और जितनी भी लार ग्रंथियां होती हैं इनसे लार निकल करके मुख गुहा की सफाई करता रहता है। तो ये तो हो गया लार ग्रंथियों के बारे में। आइए आपको बताता हूं जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं जिसमें है कि ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और किसी न किसी सेट में पाया जाता है। तो देखिए ये जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा गया है क्योंकि ये पेरेंट्स के कैरेक्टर को उनके बच्चों में ले जाता है। डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, आइए आपको बताता हूं, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को सबसे पहले प्रस्तुत किया था वाटसन एंड क्रिक ने। कब प्रस्तुत किया था, 1953 में। इस कार्य के लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये देखो, और इन्होंने बताया कि डीएनए की जो संरचना होती है वह एक सीढ़ी की तरह होती है। ये डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं आपको, इस तरह बनता है। देखिए ये है सेंट्रल एक्सिस और ये है सुगर फास्फेट बैकबोन।
ये हुआ। इसमें एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड द्वारा थायमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ा होता है। उसी तरह से फिर थायमिन जॉइंट्स विथ एडेनिन एंड देन ग्वानिन जॉइंट्स विथ साइटोसिन। ये फोर फोर नाइट्रोजन बेस सभी में जुड़े होते हैं। हियर आल्सो एडेनिन जॉइंट्स विथ थायमिन, साइटोसिन जॉइंट्स विथ ग्वानिन, लाइक द थायमिन जॉइंट्स विथ एडेनिन एंड ग्वानिन जॉइंट्स विथ साइटोसिन। इस तरह से सेम एडेनिन जॉइंट्स विथ थायमिन, साइटोसिन जॉइंट्स विथ ग्वानिन, थायमिन जॉइंट्स विथ एडेनिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से। इस तरह से एडेनिन जॉइंट्स विथ थायमिन, साइटोसिन जॉइंट्स विथ ग्वानिन, थायमिन जॉइंट्स विथ एडेनिन, ग्वानिन जॉइंट्स विथ। दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और उसी तरह से पूरी कंप्लीट डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम और इसकी हाफ डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी सेंट्रल एक्सिस से। इधर इस पूरे हेलिक्स की दूरी जो होती है डिस्टेंस होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें देखिए लिखा गया सुगर फास्फेट बैकबोन, तो यहां पर सुगर फास्फेट बैकबोन इस तरह से यस पी यस इस तरह से दोनों साइड में जुड़ता रहेगा तब जाकर के ये बैकबोन तैयार होती है। इस प्रकार से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल हो गया और फंक्शन ऑफ डीएनए जब आप लिखेंगे केवल इतना लिखना है डीएनए ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू दियर ऑफस्प्रिंग। डीएनए माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हो गया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। और एक क्वेश्चन और है इसका अथवा में आता है और दो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें। एक तो हो गया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, दूसरा हम आपको बता दे रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ऐसे होगा डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसका थोड़ा सा फिगर बना दे रहे हैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये देखिए ये देखिए
ओवरी, ओविडक्ट, या फैलोपियन ट्यूब। यूटेरस, वजाइना, ये हो गया मनुष्य के मादा के प्रमुख जनन अंग। इसमें आप देखिए ओवरी, सेकंड विल बी ओविडक्ट, थर्ड विल बी यूटेरस, फोर्थ विल बी वजाइना। और जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं उसमें होता है ममरी ग्लैंड, जो इस डायग्राम में नहीं है, उसको केवल आपको डिस्क्राइब करना है। देखिए ओवरी, ए पेयर ऑफ ओवरी इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल। इट प्रोड्यूस ओबम आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यमसी आने के 14वें दिन ऑन 14 डे ये ओबम प्रोड्यूस करता है। अगर ओबम को इस 14 डेज में स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में संपन्न होती है, और अगर नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट मंथ में फिर एमसी आ जाएगी। और देखिए नेक्स्ट है आपका ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। इसका केवल एक काम होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच जॉइंट्स विद ओवरी। ये ओवरी से जुड़ी हुई ट्यूब लाइक संरचना होती है जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगर ये कट कर दिया जाए तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर किसी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में वैक्स भर दिया जाए या उसको काट दिया जाए तो क्या होगा, आंसर बताइए, उसमें निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। नेक्स्ट है यूटेरस, गर्भाशय। देखिए यूटेरस का प्रमुख कार्य होता है प्रेगनेंसी के समय बच्चे की सुरक्षा करना और उसको उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, जबकि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए अम्बिलिकल कार्ड होती है एम्ब्रियो की। वह अम्बिलिकल कार्ड मदर की बॉडी से एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और एम्ब्रियो के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बेबी के अंदर मदर के अंदर इंसर्ट करती रहती है। तो यूटेरस का मेन काम होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की सुरक्षा एवं पोषण करना। नेक्स्ट है वजाइना या यौन कहते हैं इसको। देखिए ये फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जो प्रजनन के समय या रिप्रोडक्शन के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल से स्पर्म रिसीव करती है, मेल से शुक्राणु को रिसीव करने का काम वजाइना का होता है और यहीं से इस पर पहुंच करके दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए हमने और नोट किया हुआ मेमोरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड्स आप जानते हैं कि ब्रेस्ट में फीमेल्स में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट के जमाव के कारण एक जोड़ी मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जो बच्चे के जन्म के उपरांत उनको मिल्क प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्री बोर्ड क्वेश्चन। ये है इस प्री बोर्ड क्वेश्चन और आपको इससे हेल्प मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस।